उत्तराखंड जिसे देवों की भूमि माना जाता है। दोस्तों आज की इस कड़ी में हम आपको उत्तराखंड के पांच प्रयागों में से एक कहे जाने वाले देव प्रयाग लेकर जा रहे हैं, जिसे देखकर आप खुद बोलेंगे कि वाकई में क्या अद्भुत जगह है। देव प्रयाग समुद्र तल से 830 मीटर की ऊंचाई पर है और मात्र ऋषिकेश से 70 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है देव प्रयाग। इस स्थान पर जाकर आपको वाकई में काफी अद्भुत और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव होगा। इस जगह पर दोनों तरफ नदियां बहती हैं, एक तरफ अलकनंदा तो दूसरी तरफ भागीरथी, और यहीं से शुरुआत होती है गंगा की। देवप्रयाग की हिस्ट्री अगर जाने तो आपको बता दे, राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए उन्हें मनाया और करीब 33 करोड़ देवी देवता भी गंगा के साथ स्वर्ग से उतरे और देवी देवताओं ने अपना आवास देवप्रयाग को बनाया, जो कि गंगा की जन्मभूमि है। आप साफ देख सकते हैं इस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा को मिलते हुए, तभी यहीं से गंगा नदी प्रारंभ हो जाती है। इस संगम के तट पर गुफाएं भी स्थित है, जिसे हनुमान गुफा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों देवप्रयाग में स्थित हनुमान गुफा के बारे में कहा जाता है कि भगवान हनुमान इस स्थान पर आए थे और उन्होंने देवप्रयाग में पवित्र स्नान करने के बाद श्री राम का ध्यान लगाया था, और इस समय में देवप्रयाग में एक चट्टान के ऊपर हनुमान जी की मूर्ति उभरी हुई है। दोस्तों गढ़वाल की मान्यता के अनुसार भगीरथी नदी को सास और अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है। हिंदू माइथोलॉजिकल ग्रंथों के अनुसार देवप्रयाग संगम के किनारे पर भगवान श्री राम के कमल जैसे पद चिन्ह है। देवप्रयाग की मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने माता पिता का तर्पण इस स्थान पर किया था। उन्होंने जिस शिला पर बैठकर ध्यान लगाया था, वो शिला आज भी वहां पर देखी जा सकती है। दोस्तों यहां पर रघुनाथ मंदिर भी काफी फेमस है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 10,000 साल पहले करवाया गया था। तो दोस्तों आप ऋषिकेश से महज 70 किलोमीटर दूर पांच प्रयागों में से एक प्रयाग के दर्शन यहां पर कर सकते हैं। आपको ये जगह काफी इंटरेस्टिंग लगेगी और आप एंजॉय करते हुए चलेंगे और दर्शन भी करके आएंगे। दोस्तों आप जरूर इस जगह पर ट्रैवल करके आएं और देख करके आएं कि कैसा यहां का वातावरण और माहौल है, आपको खुद फील होगा। मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।